What is the meaning of Pentecost? Pentecost का मतलब क्या है? मैं चाहता हूं कि सब लोग थोड़ा सा कान खोल कर और पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ परमेश्वर के वचन को सुने. What is the meaning of है ना Pentecost? और 2023 साल पहले आज का दिन क्या हुआ और विश्वासियों के लिए आज का दिन क्या महत्व है? What is the importance of this today in the lives of the believers? विश्वासियों के जीवन में आज का दिन क्यों महत्व है? और आज का दिन जब हम लोग कलीसिया में आकर बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हमारे लिए जीवन में वो कौन सी बातें जो है हमें सीखना है और अमल करना है? पेंटिकोस्ट का मतलब हम सब जानते हैं ना, कई बार गाने भी गाते रहते हैं, पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडरा था, है ना. हम सब जानते हैं कि पेंटिकोस्ट का जो दिन था, कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा. कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया. पेंटिकोस्ट क्या है? सुन लीजिए, इजरायली लोग जब मिस्र देश में थे यानी इजिप्ट में थे, 450 साल वे लोग गुलामी का जीवन जी रहे थे. 450 ईयर्स मिस्र के गुलामी में थे. दे वर अंडर द बॉन्डेज ऑफ द इजिप्ट. गुलामी का जिंदगी जी रहे थे. वो लोगों ने पुकारा परमेश्वर को, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और मूसा को भेजा उन्हें वहां से बाहर लेके आने के लिए. 450 साल होने के बाद में जब ये लोग मूसा के अगुवाई में मिस्र देश को छोड़कर बाहर आने के समय में फरो उनको बाहर आने के लिए नहीं दे रहा था. वो कह रहा था कि वो कौन सा परमेश्वर है जिसकी बात मैं सुनूं, क्योंकि फरो खुद मिस्र देश का भगवान कहला रहा था. और वो कहता है कि ऑलरेडी हमारे पास करोड़ों हैं और मैं भी एक भगवान जैसा, राजा जैसा हूं, मुझे किसी की बात नहीं सुनना है. तब परमेश्वर कहता है, मूसा तू खड़ा हो जा, मैं 10 विपत्तियों को यहां पर लेके आऊंगा. और आखिरी विपत्ति होने के बाद में खुद फरो ये 20 लाख लोगों से भी ज्यादा जो लोग हैं इसराइली लोग, इनको वो खुद बाहर भेजेगा. कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया. और वो जब भेजेगा, इजिप्त लोग खाली नहीं आएंगे, आशीषों के साथ आएंगे. मिस्र देश का सोना लेकर आएंगे, मिस्र देश का चांदी लेकर आएंगे. वे लोग हो सकता है कि कम गए हैं मगर आशीषित होकर बाहर आ जाएंगे. आज इस कलीसिया को मैं बोलना चाहता हूं, चिंता मत करना कि आप कौन से बंधन में, कौन से निराशा में, कौन से डर में जी रहे हैं, मगर जब परमेश्वर आपको आजाद करेगा, आशीष के साथ आजाद करेगा. हालेलुया. When God will deliver you, He will bless you and deliver you. कोई आमीन बोल सकता है? क्योंकि परमेश्वर के बच्चे भिखारी नहीं है. बगल वाले को देखकर बोलो, मैं भिखारी नहीं हूं. आप थोड़ा जोर से बोलिए, मैं भिखारी नहीं हूं. मैं दरिद्र नहीं हूं. मैं गरीब नहीं हूं. मैं बीमार नहीं हूं. Come on, hallelujah. क्योंकि प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया है, इसीलिए मैं आशीषित हूं. Amen. आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप आजाद हैं? कमान सत्य को जानो, वो सत्य तुम्हें क्या करेगा? सत्य मन तेलुसुकुंटे सत्य मिम्मल्नु विडुदलगा चेस्तदि, मिम्मल्नु स्वतंत्रलगा चेस्तदि. कोई आमीन बोल सकते हैं? इसका मतलब है जो आजाद है वो आशीषित है. हालेलुया. आमीन. अगर आप में से कोई बोलता है कि मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं भिखारी हूं, इसका मतलब है अब तक तू आजाद नहीं हुआ है. जो आजाद होता है वो आशीषित है. मैं आशीषित हूं क्योंकि यीशु ने मुझे आजाद कर दिया है, अपना लहू बहाकर मुझे आजाद कर दिया है, अपना जान देकर मुझे आजाद कर दिया है. सो मैं आजाद हूं, इसलिए आशीषित हूं. मेरा पॉकेट में कभी भी खालीपन नहीं रहेगा. मेरा बैंक अकाउंट कभी भी खालीपन नहीं रहेगा. मेरे कार में कभी भी पेट्रोल खाली नहीं रहेगा. कभी भी पेट्रोल खाली नहीं रहेगा. वो न्यूट्रल आने के पहले मैं फुल टैंक कर दूंगा.
आप लोगों को विश्वास नहीं है इसलिए मुंह लटका हुआ है आप लोगों का. Come on, church. कोई आमीन बोल सकते हैं? बगल वाले को देखकर बोलो क्या आप आजाद हैं? बोलो बोलो क्या आप आजाद हैं? अगर आप आजाद हैं तो आप आशीषित हैं. आप आजाद हैं तो आप चंगे हैं. आप आजाद हैं तो आप दरिद्र नहीं हैं. आप भिखारी नहीं हैं. आप गरीब नहीं हैं. Come on, hallelujah. क्योंकि जब परमेश्वर ने इसराइल को आजाद किया उन्हें आशीषित भी किया. हालेलुया. कोई आमीन बोल सकते हैं? मगर आज का विषय हमारा पेंटिकोस्ट का है इसीलिए थोड़ी नजर हम पेंटिकोस्ट के दिन के ऊपर हम लोग लेकर जाएंगे. 10 विपत्तियों को मिस्र देश में परमेश्वर लेकर आता है मगर आखिरी जो विपत्ति है वो पहलोटा जो है वो जानवरों में रहने दो या इंसानों में रहने दो. जो पहलोटा फर्स्ट बॉर्न वो उसके ऊपर वो विपत्ति आने वाला था. परमेश्वर कहता है गोशेन में रहने वाले गोशेन राज्य में रहने वाले गोशेन के गांव में रहने वाले इसराइलों को परमेश्वर बोलता है आज रात को भेड़ की कुर्बानी करो और उसके लहू को चौकट के ऊपर लगा दो. घर के चौकट के ऊपर लगा दो. रात को मौत का दूत यहां से गुजरेगा. जिसके चौकट के ऊपर लहू देखेगा उसके भीतर मौत नहीं जाएगा वो घर बचेगा. और जिस चौकट के ऊपर लहू नहीं है खून नहीं है भेड़ का उसके घर में पहलोटा जो है वो जानवरों में रहने दो इंसानों में रहने दो वो मर जाएगा. उस दिन को बोला गया है पासओवर. सब लोग बोलिए पासओवर. हिंदी में उसको पस्का बोला गया है. तेलुगु लोग बड़ा पस्का है. इंग्लिश में अगर पासओवर अगर इस शब्द को थोड़ा सा सीखने के लिए कोशिश कर लेना पासओवर का मतलब है पास मतलब तेलुगु में दाटी वेल्यूटा यानी पार हो जाना. आमेन. पास ओवर यानी पार हो जाना. कोई आमेन बोल सकते हैं? इसराइलियों में मेरे ख्याल से कई त्योहार हैं और उन त्योहारों में ये फर्स्ट फेस्टिवल है जो इसराइली लोग मनाते हैं पास ओवर पस्का पंडुगा. हालेलुया. कोई आमेन बोल सकते हैं? सुन लेना. और इसराइली यहूदी लोग जो भी त्योहार बनाते हैं जो भी फेस्टिवल बनाते हैं हर त्योहार में यीशु मसीह मिला हुआ है और यीशु मसीह का आगमन भी इन त्योहारों के तीन त्योहारों में मिला हुआ है. अगर परमेश्वर की मर्जी है हम धीरे धीरे हर संडे एक एक त्योहार के ऊपर हम लोग मनन करेंगे तैयार है सीखने के लिए. द फेस्टिवल्स ऑफ द जीव्स ऑफ द फेस्टिवल्स ऑफ द इसराइल. और वो त्योहार आज विश्वासियों की जिंदगी में क्या मायने रखता है ये आपको सीखना जरूरी है. द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ द जीव्स बाइबल में पुराना नियम में जो पहला त्योहार है वो पस्का है. बगल वाले देखकर बोलो पस्का है. आमेन. इंग्लिश में पासओवर उसका मतलब है पार हो जाना. क्या पार हो गया उस दिन? मौत जो है इसराइलियों के घरों को छोड़कर पार हो गया. द नंबर वन. नंबर टू. इसराइली लोग मिस्र देश को छोड़कर बाहर आ गए पास ओवर. कोई आमीन बोल सकते हैं? इसीलिए बाइबल में हमारा जो दूसरा किताब है उसको निर्गमन बोल के बोला गया है. तेलुगु मुंदी निर्गम कांडमा करेक्ट है. इंग्लिश में एक्सोडस बोल के बोला गया है. एक्सोडस ये जो शब्द है एग्जिट इस शब्द से एक्सोडस बोलकर आ गया है. एग्जिट का मतलब है बाहर आ जाना. एक्सोडस का मतलब है बाहर आ जाना यानी इसराइली लोग मिस्र देश को छोड़कर बाहर आ गए हैं. कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया. वो रात उस भेड़ की कुर्बानी इसराइली लोगों ने किया. गोशेन के गांव में थे वे लोग. रात को भेड़ का लहू लेकर अपने घर के दरवाजे के ऊपर चौकट के ऊपर लगाने लगे. बीच रात में मौत का दूत जो है मिस्र देश में घूमता गया. वो देख रहा था किसके घर के ऊपर लहू है. गोशेन में जो परमेश्वर के लोग हैं उनके घर के ऊपर लहू था. मौत ने देखा वो मौत का दूत ने देखा नहीं ये परमेश्वर के लोग हैं मुझे इनके अंदर नहीं जाना है. बगल वाले देखकर बोलो हालेलुया. आमीन. आपके घर के ऊपर जब यीशु का लहू रहेगा मौत तेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा.
बीमारी तेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा, कोई जादू तुम्हें तेरे घर के विरोध काम नहीं कर सकेगा। कोई आमीन बोल सकते हैं? शत्रु कितना भी जादू टोना करने दो, शत्रु कितने भी शैतान की युक्तियां तेरे घर के विरोध करने दो, अगर तेरे घर में, तेरे जिंदगी में, तेरे शरीर के ऊपर, तेरे मन में यीशु का लहू है तो मौत तो तुझे छू नहीं सकेगा। नाउ डेविल कैन टच यू, बगल वाले को देखकर बोलो मौत मुझे छू नहीं सकेगा। आमेन। बोलो वो एक्सोडस हो गया, बोलो बोलो वो निर्गमन हो गया, बोलो बोलो मौत, बड़े जोर से बोलो मौत निर्गमन हो गया, यानी क्या हो गया, पास ओवर चला गया, बोलो बोलो चला गया। भाई हम ही बोल सकते हैं, हाथ उठाते बोलो थैंक यू डैडी, मुसीबत मौत परेशानी लज्जा निकल गया, बोलो बोलो निकल गया, अंगीकार करो अंगीकार करो, निकल गया, शर्मिंदगी जिंदगी निकल गया, बीमारी निकल गया, लज्जा का जीवन निकल गया है, मौत निकल गया है, बीमारी निकल गया है, निराशा निकल गया है, अंगीकार करो यीशु के नाम से। भाषादरा बाबा बाबा दरा, ये आमीन बोल सकते हैं। वो रात इस्राएल लोग उठा, भेड़ को कुर्बानी किया, लहू को लेकर चौपट के पर लगाया, बीच रात में मौत का दूत हो घूमने लगा, देखने लगा, अरे गोशेन में परमेश्वर के लोग हैं और वो परमेश्वर के लोगों के घरों के ऊपर लहू भी है। दो पॉइंट, परमेश्वर का जन होना जरूरी है और तेरे घर में यीशु का लहू लगना भी जरूरी है। तीसरा, तुझे परमेश्वर के बातों को मानना भी जरूरी है। तीन पॉइंट, मैं हमेशा बोलता हूं जब पवित्र आत्मा बोलता है बहुत कुछ बोलता है, कोई आमीन बोल सकता है? क्या नंबर वन, अगर आप मौत से आजाद होना चाहते हैं, बीमारी से चंगे होना चाहते हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए, बहुत गहरी बात है। बंधनों में से आजाद होना चाहते हैं, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, गुलामी से बाहर आना चाहते हैं, नंबर वन आपको परमेश्वर के बच्चे बनना जरूरी है। इसीलिए पिछला संडे को भी देखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का दिखा। कोई आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। आप में से कितने लोग आजाद होना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि बीमारी से आप लोग आजाद हो जाए? कितने लोग चाहते हैं कि पनौती से दरिद्रता से आप लोग आजाद हो जाए? नंबर वन, आपको और मुझे परमेश्वर का जन होना जरूरी है। हालेलुया। नंबर टू, तेरे घर के ऊपर यीशु का लहू लगना जरूरी है। इसका मतलब है मुझे उद्धार में आना जरूरी है और हर रोज यीशु का लहू मेरे शरीर के ऊपर, मेरे घर के ऊपर लगाना जरूरी है। कोई आमीन बोल सकता है? मेरी पत्नी हर रोज हर रात को सोने के पहले मेरे बच्चों को बोलती है, जाओ दरवाजे को यीशु का लहू लगाओ, बेड को यीशु के लहू लगाओ, दीवार को यीशु के लहू लगाओ। और हम जिधर भी मीटिंग के लिए दूसरे जगह में जाते हैं, वो मुझे फोन कर याद दिलाती है, जिस बिस्तर के ऊपर तू सोया है यीशु का लहू लगा ले, क्योंकि जब यीशु का लहू लगेगा वहां पे जो भी अंधकार की ताकतें हैं वो मिट जाएगा। कोई आमीन बोल सकता है? बिलीवर्स, विश्वासी लोग याद रख लेना, तेरे हर दिन के प्रार्थना जीवन में प्रभु मुझे तेरे लहू से लगा दे, मेरे घर को तेरे लहू से लगा दे, मेरे कलीसिया के लोगों को तेरे लहू से लगा दे, मेरे बिजनेस को तेरे लहू से लगा दे, क्योंकि जहां पे लहू है वहां पे आजादी है। जहां पे लहू है वहां पे क्या है? हालेलुया। रक्तमलो जीवमुन्नति, करेक्ट। लहू में जिंदगी है, जहां पे लहू है वहां पे जिंदगी है। कम ऑन, उठा बाबा। अगर तेरे घर को यीशु का लहू तो लगा लेता है, तेरे घर में जिंदगी है। तेरे शरीर को जब यीशु का लहू लग जाता है, तेरे अंदर जिंदगी है। यीशु का लहू लगना जरूरी है। बगल वाले को हाथ पकड़ कर बोलो, यीशु का लहू लगना जरूरी है। एवरीडे, एवरीडे प्रे, हर रोज प्रार्थना करो, प्रभु तेरे लहू से मुझे लगा दे। कोई आमीन बोल सकते है ना? भटके आत्मा जैसा ना, मतलब भटकते नहीं रहना मार्केट में, संभाल कर रहना है ना? कुछ लोग भटकते रहते मार्केट में, भटकते वहां भटकते, भटकने वाली आत्मा, डे ये सोचने मत जाना
कि तू आराम से जी सकता है, तेरे ऊपर अगर यीशु का लहू है तभी ही तुझे जिंदगी है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है शैतान को पता चल गया है कि उसका समय कम है, इसलिए ऊपर से वो नीचे गिरा है, किसको फाड़ता हूं, जहां पे लहू है उसे वो छुएगा नहीं। आज कई विश्वासियों को मैं देखता हूं प्रार्थना जीवन नहीं है मगर भटकते रहते हैं, भूत जैसा भटकते कुछ कभी मास्को मार्केट में, कभी पंजी मार्केट में, कभी जापानीज गार्डन में। संडे को क्यों नहीं आते, बहुत बिजी। अच्छा मार्केट में तो घूम रहे तू मस्त, तू क्या सोचता है तू बच पाएगा? यीशु का लहू है तो बचेगा। इसीलिए इन आखिरी दिनों में परमेश्वर को भटकने वाली आत्मा नहीं है, परमेश्वर को उसके लहू में ठहरने वाले विश्वासी लोगों की जरूरत है। हालेलुया, तेरे घर के ऊपर यीशु का लहू लगना जरूरी है, तेरे जिंदगी के ऊपर यीशु का लहू लगना जरूरी है, तेरे परिवार के जनों के ऊपर यीशु का लहू लगना जरूरी है। जहां पे लहू है वहां पे जिंदगी है, जहां पे लहू है वहां पे मौत नहीं है, जहां पे लहू है वहां पे आजादी है, जहां पे लहू है वहां पे छुटकारा है। कोई आगे बोल सकता है? इसलिए वचन कहता है यीशु ने अपने लहू देकर हमें, याद रख लेना, हमें लहु है तो जिंदगी है। बोले लहु है जिंदगी है। हिंदी को उसका टॉपिक है, थोड़ा सा आएंगे हम लोग। उसने लहु लगाया, बीच रात में मौत आया, मौत ने देखा इधर लहु है, मुझे अंदर नहीं जाना है, निकल जाओ। बाद में मिस्र देश के घरों में, पवित्र आत्मा एक बात अच्छा सा बोल रहा है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्र देश के बाकी के गांव में जाने लगा, कौन? मौत का दूत। मंत्री का घर के पास गया, ज्योतिष लोगों के घर के पास गए, बड़े बड़े ज्योतिष भविष्यवाणी बोलने वाले उधर भी थे भविष्यवाणी लोग, किधर? मिस्र देश में, है ना, मूसा के विरुद्ध काम करने के लिए आए थे ना, उनके घरों के पास गया। मौत ने देखा ये बहुत बड़ा व्यक्ति है मगर लघु नहीं है। अरे इंपॉर्टेंट, ये चलो इंपॉर्टेंट, ये व्यक्ति बहुत बड़ा है मगर क्या नहीं है, नहीं है। तो कितना बड़ा है ये मायने नहीं रखता, लहु तुझे बड़ा बना देता है। तेरा लहु बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहु बड़ा कीमती है,
प्रभु है। हमें अनंत काल का जीवन धन और दौलत नहीं दे सकता, लहू है तो अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया, जो कि उसके पर विश्वास करे नाश नहीं मगर अमीर है तो अनंत काल का जीवन बोल के नहीं बोला गया है। अकाउंट में बहुत पैसा है तो अनंत काल का जीवन है बोल के नहीं बोला गया है। लहू है तो जिंदगी है, लहू है तो अनंत काल का जीवन है। तेरे घर के ऊपर यीशु का लहू लगना जरूरी है। तो देखा ये तो मंत्री है मगर लहू नहीं है, क्या करूं उसके अंदर लहू नहीं है इसलिए अंदर। बाद में फरो राजा खुद को भगवान बोलने वाला है मिस्र देश का, माउंट देखता तो बहुत बड़ा राजा है, मैं क्या करूं लहू नहीं है, घुस जाऊंगा मैं क्या नहीं है लहू नहीं है। लहू के बगैर राजा भी बच नहीं सकता। हाँ लहू के बगैर ना धन दौलत बचाएगा ना पैसा बचाएगा, कोई आमीन बोल सकता है। मिस्र देश का राजा जो था उसका बेटा जो पहला बेटा वो भी मर गया, मंत्री का जो पहला बेटा वो भी दंत भविष्यवाणी ज्योतिष लोगों का पहला बेटा वो भी बेटी वो भी क्या हो गया। सुबह पूरा मिस्र में रोना दांत काटना, अयो हमारे घर में एक क्या मौत का तांडव हो गया है। वो लोग देखते हैं गोशेन में कोई नहीं रो रहा है, बगल वाले को प्रेज़ द लॉर्ड बोल दीजिए, गोशेन में रोना नहीं है। बोलो बोलो गोशेन का मतलब है जहां पे इसराइली लोग थे, जहां पे इसराइली लोग टेंट बांध कर घर बांध कर थे, गोशेन मिस्र देश में गोशेन, वहां पे क्या नहीं था। प्रभु के बच्चे तेरे आंसुओं को प्रभु ने पोंछ दिया, कन्नीति बाष्प बिंदु आयन तुड़ी वैसे तेरे आंसुओं को उसने पोंछ दिया है, तेरे दुखों को उसने निकाल दिया है। अंगीकार करो अब के बाद मेरे घर में आंसू नहीं है, अब के बाद मेरे घर में रोना नहीं है, अब के बाद मेरे घर में दरिद्रता नहीं है, अब के बाद मेरे घर में मौत नहीं है, अब के बाद मेरे घर में कोई फलौती नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे आसान कर दिया है। अंगीकार करें, याद रख लेना तेरा रिश्ता प्रभु के साथ है तो तेरे घर में आंसू नहीं सिर्फ नाच गाना ही रहेगा। और ये नाच गाना आपके शादियों में आप लोग जो नाचते थे डिंगलाला जिंगलाला वो नाच नहीं है, है ना। कुछ लोग विश्वासी लोग अविश्वासियों के शादियों में पिक्चर के गाने में नाचते हैं और ये बोलते हैं कि प्रभु ने हमको आनंद दिया जा रहे पनौती वाले, वो आनंद नहीं है, ये आनंद आत्मा का आनंद है, ये आनंद अभिषेक का आनंद है, ये आनंद पवित्र आत्मा का आनंद है। कोई आमीन बोल सकता है, जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का आनंद है वो दुनिया के आनंद में आनंद नहीं मनाएगा। आज कुछ विश्वासियों को देखता हूं मैं हैरान हो जाता हूं यार, ये लो यहोवा मुझे तेरी जरूरत है करके और पिक्चर के गाने में जिंगला लाला। अच्छा तेरा आनंद का कोई दायरा ही नहीं है, इधर भी आनंद। अच्छा ये कौन सा आनंद है जो आत्मा के आनंद में रहेगा वो दुनिया के आनंद में आनंद नहीं मनाएगा। गहरी बात है, याद रख लेगा हालेलुया, कोई आमीन बोल सकता है। जो आत्मा में आनंदित है वो दुनिया के चीजों में आनंद नहीं मनाएगा, वो सोचेगा तू कुछ भी सोच मेरे बारे में मगर मुझे परमेश्वर का आनंद ही चाहिए, मुझे वो आनंद नहीं चाहिए, मुझे अभिषेक का आनंद चाहिए, मुझे यीशु का आनंद चाहिए, मुझे स्वर्ग का आनंद चाहिए। ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। राजा का घर भी मौत ने खत्म, सुबह दुनिया के लोग विश्वासियों के घरों को देखते हैं। हाँ ये याद रख लेना पेंतिकोस्त का है, मगर लास्ट पॉइंट में मैं आ रहा हूं। दुनिया के लोग विश्वासियों के घरों को देखते हैं, हम
हमारे घर में दुख है, उनके घर में दुख नहीं है। हमारे घर में अंधेरा है, उनके घर में अंधेरा। हमारे घर में रोना है, उनके घर में रोना। हमारे घर में बीमारी है, उनके घर में बीमारी। हम अमीर तो है फिर भी दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है फिर भी खुशी के साथ है। हालेलुया। आपका जीवन दुनिया के लोगों के लिए फर्क है। बोलो मैं फर्क हूँ। आमीन। आज का दिन ठान लेना, मुझे फर्क बनना है। देखो हर दिन परमेश्वर मौका देता है वापस प्रभु के पास आने के लिए। हर दिन प्रभु मौका देता है वापस पश्चाताप करने के लिए। हर दिन परमेश्वर मौका देता है प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। 27 मई तक मैं कैसा था मुझे परवाह नहीं, मगर 28 मई पेंतेकोस्त का दिन है, मुझे बदलना है, मुझे फर्क दिखना है। हालेलुया। कोई आमीन बोल सकते हैं? आपके जीवन में कौन सा फर्क दिखाई दे रहा है? फर्क दिखाई दे रहा है? हालेलुया। कोई जोर से बोलेंगे हालेलुया। मिस्र लोग देखते हैं, हेलो, मिस्र लोग देखते हैं, अरे हमारे घर में अंधेरा है मगर इनके घर में क्या नहीं है। हमारे घर में रोना है, इनके घर में क्या नहीं है। हमारे घर में लाइट गया मगर इनके घर में लाइट नहीं है, फिर भी ज्योति है। हालेलुया। क्योंकि हम ज्योति में चलने वाले लोग हैं। बगल वाले देखकर बोलो मैं ज्योति में चलने वाला हूं। आमीन। सुने हुआ? वो था पासोवर। वो कौन सा था? बोलो वो था पस्का। अब मुझे और 10-15 मिनट दे देना, देने के लिए तैयार है? कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो दिन से 50 उस दिन बाहर आ गए, ठीक है? 20 लाख लोग मूसा के अगुवाई में बाहर आए। जिस तरह मैंने शुरुआत को बताया, बाहर आए मगर आशीष के साथ आए। वापस उस पॉइंट को मैं टच करूंगा, जो आजाद होते हैं वो आशीषित रहते हैं। याद रख लेना, जो आजादी का जीवन जीते हैं वो हर बातों में आजादी रहेंगे। नहीं, अरे देखो भाई, आप ये बोलते हो कि मुझे आजादी मिल गया है मगर अभी भी भर भर कर रोना धोना निराशा चिंता दरिद्रता पनौती बीमारी, क्या ये आजादी है? जब आप आजाद हो जाते हैं सिस्टर, थोड़ा सा सुन लेना, जब आप आजाद हो जाते हैं, 50-50 आजाद नहीं होते, आप पूर्ण रीति से आजाद हो जाते हैं। अब मुझे बताओ, यीशु ने कहा मैंने तुम्हारे लिए प्राण दिया है, तुम लोग सिर्फ वो स्वर्ग आना, बाकी के धरती में जितना भी पनौती है दरिद्रता है सब तुम लोग जीते रहना, ऐसा बोला प्रभु ने। प्रभु ने जब आजाद किया है तो पूर्ण रीति से आजाद किया है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? हालेलुया। परमेश्वर अपनी अमीरता में मेरी जरूरतों को, इसका मतलब है मेरी जिंदगी में और कोई कमी घटी नहीं है। हालेलुया। उसके मार खाने से मैं क्या हो गया, इसका मतलब है मेरी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं है। मुझे अमीर बनाने के लिए यीशु मसीह क्या बन गए? दरिद्र बन गए, गरीब बन गए। इसका मतलब है मैं दरिद्र नहीं हूं। कम ऑन यार, मैं आजाद हुआ हूं तो पूर्ण रीति से आजाद हो गया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए गलती से आज के बाद मुझे फोन करके बोला बीमारी है, मैं बोला अरे मेरा प्रभु ने आजाद कर दिया है तो मैं आजाद हूं तो तू भी आजाद है। विश्वास करके तो थे, प्रभु के पास आकर तो दे, अपना जिंदगी यीशु को देकर तो दे, अपनी जिंदगी के ऊपर यीशु के लहू लगा कर तो दे कि तू आजाद है। इसीलिए आज के बाद मुझे फोन मत करना, मेरे पत्नी को कर लो चले। और फोन करके अच्छा और दबा लेते क्योंकि इन लोगों को अभी तक आजादी मिला ही नहीं है।
मेरा प्रभु ने 2023 साल पहले आजाद कर दिया है, तू आजाद है। भले भले को वाईफाई हाईफाई पर मुंह को मत मारना, हाथ को मार लेना, बोलो मैं आजाद, बोलो बोलो मैं, मेरे प्रचार के कंक्लूशन में मैं आ रहा हूं। उस दिन क्या हो गया? पस्का, द फर्स्ट फ्रूट, द फर्स्ट। कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। और उसका 50वां दिन यानी पस्का हुआ, पासोवर, उसका 50वां दिन पस्का पासोवर जो है वो यीशु मसीह का कुर्बानी को सूचना दिखाता है। उस दिन मिस्र में भेड़ की कुर्बानी हुआ 2023 साल पहले, कोलकाता पर्वत के ऊपर यीशु मसीह का कुर्बानी हुआ। उस दिन इसराइलियों को आजाद मिला 2023 साल पहले, यीशु के वजह से आप और मैं आजाद हो गए। That is our real Passover। कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। उस दिन भेड़ का लहू ने इसराइलियों को बचाया, यीशु का लहू तुझे मुझे बचा लिया है। हालेलुया। उस दिन वो लहू ने मौत से उन्हें बचाया, आज यीशु का लहू आपको और मुझे अनंत काल का जीवन दिया है। उस दिन वो लहू ने मिस्र के अंधकार से बचाया, आज यीशु का लहू आपको और मुझे दुनिया के अंधकार से बचाया है। अब सुन लेना आज का दिन, हेलो, थोड़ा सा सुन लेना, आवाज मत करना, बैठ जाओ अपनी जगह में, बैठ जाओ, आवाज को सुनो ठीक से। उस दिन यानी भेड़ की कुर्बानी होने के बाद में 50वां दिन, उसको बोला गया है पेंटिकोस्ट। पेंटा का मतलब है 50, ओके, पेंटिकोस्ट पंचकोस्ट, इसका मतलब 50वां दिन यानी 5। 50वां दिन जो है इज़राइल में एक त्योहार मनाया जाता है, और उस दिन इज़राइल में जितने भी गोत्र के लोग हैं वे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और उस दिन वो लोग त्योहार बनाते हैं। कोई आमीन बोल सकते हैं? मैं आप लोगों को नया नियम में लेके आना चाहूंगा। यीशु मसीह शुक्रवार का दिन, यानी आज के जमाने से शुक्रवार का दिन, मगर विश्राम के दिन के पहले कोलकाता पर्वत के ऊपर यीशु मसीह कुर्बान हुए। तीसरा दिन यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, वो दिन फर्स्ट बॉर्न या फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल बनाते हैं, यानी दूसरा जो त्योहार इजराइलियों के लिए, फर्स्ट फ्रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पहला फल का त्योहार, बोलिए पहला फल का त्योहार, प्रथम फलम यज्ञ पंडुग, फर्स्ट फ्रूट, यीशु मसीह पहला फल है। कोई आमीन बोल सकता है? हालेलुया। आप और मैं दशमांश देते हैं, हम आप में से कुछ लोग देते हैं, क्योंकि हमको मालूम है हम क्या करते हैं, पहला जो है वो परमेश्वर को देते हैं। आमीन। मिस्र में भी परमेश्वर ने इसराइलियों के पहले टो को बचा के रखा, और यीशु मसीह जिस दिन मर गए, तीसरा दिन यीशु मसीह पहला फल है जो वापस जिंदा हो गया। कोई आमीन बोल सकता है? जोर से बोलेंगे हालेलुया, आमीन। तीसरा दिन यीशु मसीह का क्या हो गया? पुनरुत्थान। ये दूसरा त्योहार है इसराइलियों का, और उस दिन के बाद में यीशु मसीह चेलों को कितना दिन दिखाई दिया? 40 दिन दिखाई दिया, बोलो 40 दिन। 40 दिन यीशु मसीह चेलों के साथ चलने लगे, खत्म कर रहा हूं थोड़ा सा सुन लीजिए। 40 दिन यीशु मसीह चेलों को रोटी खिलाया, मछली खिलाया, वापस याद दिलाया कि मैं ही हूं जो तुम्हारे साथ था, वापस मैं जिंदा हो गया। 40वां दिन याद रख लेना, 40वां दिन यीशु मसीह एक वादा कर रहे हैं, इंतजार करो यरूशलेम में। बगल वाले देखकर बोलो यरूशलेम में इंतजार करो। आमीन। जिसके बारे में मैं आप लोगों को बोला, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को वादा दिलाया, वो तुम्हारे पास आने के लिए जा रहा है। Amen। वो कौन है? पवित्र आत्मा है। हेलो ब्रदर, थोड़ा सा सुन लेना, पवित्र आत्मा तुम लोग स्वीकार करने के लिए जा रहे हो, मगर नंबर 1 इंतजार करो, लिख के रख लेना, अभिषेक के लिए इंतजार जरूरत है। आमीन।
विदाउट वेटिंग यू कैनॉट रिसीव द एनॉइंटिंग. आज कई विश्वासी लोग अभिषेक को खो लिया, पता है आप लोगों को अभिषेक में नहीं है. एक जमाने में ओ प्रभु अभिषेक अभिषेक, अभी अभिषेक का नामो निशान इनके अंदर नहीं है. क्यों पता है? क्योंकि अभिषेक का जो कीमती है इनको पता नहीं है. ऐसा ही आ गए, कोई हाथ रखा हालेलुया अभिषेक आ गया, गिर गए उठ गए और निकल गए. ना ना, अभिषेक के लिए प्रभु की उपस्थिति में इंतजार करना जरूरी है. और जो इंतजार के साथ अभिषेक को लेगा उसका अभिषेक हमेशा टिका रहेगा. कोई आमीन बोल सकता है? और ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ये खास रीति से विश्वासियों के लिए है, याद से रख लेगा. कोई आमीन बोलेगा? यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम में क्या करो? इंतजार करो. वेट एनॉइंटिंग द होली स्पिरिट इज वेट टू कम अपॉन यू. अभिषेक के लिए इंतजार करना जरूरी है. और 120 चेले, क्योंकि यीशु मसीह जब पुनरुत्थान होकर आसमान में स्वर्ग में स्वर्गारोहण होने के समय में यीशु मसीह के सामने 120 चेले थे. कितने थे? 120. खाए सो कितने लोग? 5000. खाए कितने? 5000. कभी 5000 कभी 3000. 5 और 3 कितना? वेरी गुड मैथमेटिक्स, ठीक है इसलिए 8 बोला मैंने. बोल तो 8 और 5 और 3 8 करें. खाए कितने लोग? 5000. टिके कितने लोग? 12 नहीं रे बाबा, 120. खाए कितने लोग? 8000. बोला 8000. टिके कितने लोग? खाने वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, टिकने वाले इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब है चमत्कार को देखकर नमस्कार करके जाने वाले लोग बहुत है भाई. प्रभु में टिके रहना. बगल वाले को देखकर बोलो टिके रहो. अभिषेक उसी को मिलेगा जो टिका रहेगा. वही अभिषेक में रहेगा. ये सोचने मत जाना कोई गेस्ट पास्टर आया मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और मुझे अभिषेक आया. वो अभिषेक नहीं रे बाबा, वो सिर्फ तुझे टच किया. ओरिजिनल अभिषेक तुझे तब मिलेगा जब तू प्रभु में स्थिर रहेगा. आया गया हिला गिरा उठा, है ना. आज कई लोग मैंने प्रार्थना किया लोग गिर गए. अच्छा ही गिर गए, उठेंगे कभी? आज कई लोग बोलते हमने प्रार्थना टच सब गिर गया. अच्छा कितने गिर गए? अच्छा उठेंगे कभी? गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है, उठना इंपॉर्टेंट है. कोई आमीन बोल सकता है? यीशु ने कहा वेट देन यू विल रिसीव द होली स्पिरिट. इंतजार कर तब पवित्र आत्मा मिलेगा. होल्ड ऑन, अभिषेक मिलेगा नहीं बोला है, पवित्र आत्मा मिलेगा. सुना सुनो समय. आज कई लोग प्रार्थना किसके लिए करते हैं? प्रभु मुझे अभिषेक दे. अभिषेक के लिए नहीं, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो. पवित्र आत्मा रहेगा, अभिषेक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा. अगर अभिषेक के लिए प्रार्थना करोगे एक महीना रहेगा, दूसरा महीना तुम काली नदी में स्विमिंग करता रहेगा. हालेलुया. यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा. वो तुम्हें मेरे बारे में बताएगा, प्रार्थना करना सिखाएगा, जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते में चलाएगा. मेरे आने तक तुम्हारे साथ रहेगा. प्रार्थना कर कि पवित्र आत्मा तेरे साथ रहे. माफ कर दे, ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं. कितने लोग हैं यहाँ पे जो पहले अभिषेक में थे, अभिषेक को लिया, नाचा कूदा गिरा, मगर आज उनका प्रार्थना जीवन ठंडा हो गया है. वचन के जीवन में ठंडा पन दिखाई दे रहा है. खा रहे पी रहे मदमस्त है, मगर कोई भी पवित्र आत्मा के उस समुद्र में कोई नहा नहीं रहा है. याद रख लेना, जो पवित्र आत्मा में है वही स्वर्ग में यीशु के साथ रहेगा. सिंपल है भाई.
क्योंकि यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं, पवित्र आत्मा मैं तुम लोगों के लिए भेजूंगा, नंबर वन वो तुम्हारे साथ रहेगा, मेरे आने तक वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा। आज कलीसिया को तैयार करने वाला पवित्र आत्मा हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया को यानी आपको कौन तैयार कर रहा है? तो पवित्र आत्मा के लिए आपको प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करो, उपवास लेकर प्रार्थना करो, विश्वास में रहकर प्रार्थना करो, बोले कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मैं खत्म कर रहा हूं। 40वां दिन जब यीशु मसीह ऊपर जा रहे थे, कहा यरूशलेम में ही, नंबर वन इंतजार करना, नंबर टू यरूशलेम में ही रहना, इसका मतलब है विश्वासियों भटकने मत जाओ, प्रभु के उपस्थिति में स्थिर रहो। बगल वाले देखकर बोलो भटकने मत जाओ, ये दुनिया अच्छा नहीं है, भटकने मत जाओ, अगर भटकोगे तो बह जाओगे। बोलो बोलो, मतलब तेलुगु हिंदीलो ఆ వర్డ్స్ వచ్చేస్తా ఉండై దానికి నేను తెలుగు లేక చెప్పర అలా మాట్లాడు, భటకోగె తో బహ జాఓగె స్థిర రహోగె ప్రభు కే సాత్ ఉఠా లియా జాఓగె। वो सीखने के लिए मिल रहा है पेंटिकोस्त का दिन, कितने लोग सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन को, कोई आमीन बोले, हालेलुया। सुन ले, हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, तो नंबर वन यरूशलेम में रहना, तो नंबर टू इंतजार करना। 40वां दिन यीशु मसीह चले गए, 10 दिन 120 लोग ऊपर के कमरे में बैठकर प्रार्थना करने लगे, 10 दिन, बगल वाले देखकर बोलो 10 दिन 120 लोग प्रार्थना करने लगे, कितना दिन, बोलो बोलो 10 दिन। ये 10 दिन यीशु मसीह गए, पहला दिन प्रभु अभिषेक नहीं आया तो अभी तक, दूसरा प्रभु अभी तक कोई नहीं आ रहा प्रभु, तीसरा दिन निकलकर घर चले गए क्या? तब तक प्रार्थना करने लगे जब तक वादा पूरा नहीं हुआ। प्रभु में हमेशा तब तक रहना जब तक परमेश्वर का वादा आपकी जिंदगी में पूरा ना हो जाए। एक दिन प्रार्थना किया, दूसरा दिन बोलो है ना, कभी कभी बर्तने होता रहता है हमारे हॉल में ठीक है ना, और बलून लगा देते, मैंने बोला आज के बाद कोई बलून नहीं लगाने का, क्योंकि प्रचार होने के टाइम में हालेलुया पिछला बार फोन, मतलब मैं कुछ बात कर रहा था अचानक हार्ट अटैक जैसा ठपा बोल के, तो मैं आज बलून नहीं रे बाबा, क्योंकि आज कई विश्वासियों के जीवन में बलून जैसा हो गया, पहला तो हालेलुया बातें, बाद में हवा निकलने के बाद बलून का मुंह कभी देखा आप लोगों ने, फुग्गे का देखा कैसा कैसा होगा, कैसा आप सुखड़ जाता, सुखड़ना नहीं है, बगल वाले देखकर बोलो सुखड़ना नहीं है, बोलो 10 दिन लगातार प्रार्थना में, 10 दिन लगातार प्रार्थना में, बोलो बोलो 10 दिन लगातार विजिटर मत बनो, प्रभु के बच्चे बनो, हमेशा प्रभु में बने रहो, कोई आमीन बोल सकते हो? इन आखिरी दिनों में याद रख लेना, यीशु मसीह का आगमन इतना नजदीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, कुछ महीने हैं, कुछ दिन हैं, कुछ साल हैं, पता नहीं है, इन दिनों में वापस बोलो 10 दिन लगातार प्रार्थना में पवित्र आत्मा के लिए। 10 दिन होने के बाद में कितना दिन हो गया? 50 हो गया, 50वां दिन। अब पढ़ेंगे हम लोग, मेरा कंक्लूशन में मैं आ रहा हूं, जब पेंटिकोस्त का दिन आया, अब बोलो पेंटिकोस्त का दिन, ये पेंटिकोस्त का दिन जो है ले व्यवस्था 23 अध्याय उसका 15 वचन में देखते हैं, व्यवस्था विवरण 16 अध्याय उसका 9 से लेकर 11 वचन, तेलुगु में लेवी कांडम 23 अध्याय 15 నుంచి 21, द्वितीय उपदेश कांडम 16 अध्याय 9 నుంచి 11 వచనాలు, ठीक है, लेविटिकस एंड
द डिक्शनरी, इन दोनों किताबों में आप पेंतिकोस्त के बारे में पढ़ सकते हो। घर जाकर पढ़ना, मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं। हालेलुया, कोई आमीन बोल सकते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। कौन सा दिन आया? जोर से बोले कौन सा दिन आया? और ये पेंतिकोस्त का जो है यहूदियों का तीसरा त्योहार है। द नंबर वन पस्का, द नंबर टू फर्स्ट फ्रूट यानी पहला फल, द नंबर थ्री पेंतिकोस्त। हालेलुया, पस्का,